हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता तिवारी की यूट्यूब चैनल मानसिक क्रिएटिव हब में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको फैशन डिजाइनिंग, न्यूट्रिशन, कटिंग, टेलरिंग, इंटीरियर, होम डेकोरेशन, पेंटिंग, प्रिंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस मटेरियल से रिलेटेड वीडियोज हम लोग अपलोड करते रहते हैं। इसी वीडियोज सीरीज में मैंने एक ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस की रेंज स्टार्ट की है, जिसमें कि इसके फर्स्ट दिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें पता ही है कि मैंने कुर्ती की ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल कुर्ती की ड्राफ्टिंग का वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद मैं बेल्टेड सलवार का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें आप देखेंगे प्रोफेशनल बेल्टेड सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बोथ वीडियोज। इसमें मैंने पार्ट वन में आपको ड्राफ्टिंग का वीडियो डाला है एंड पार्ट सेकंड में कि हम लोग सलवार को स्टिच कैसे करेंगे इसका वीडियो डाला है। सो हमारे चैनल से ये लेटेस्ट स्टिचिंग वीडियोज की ऑनलाइन सीरीज से अपडेट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देन हम स्टार्ट करते हैं बेल्टेड सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। हम इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, ये 2.25 मीटर कपड़ा है, कॉटन क्लॉथ है। इसके लिए हम सिंपल सी पहले हमारी लेंथ जैसे हमने लिया है, आपको बोला मैंने 37 इंच, जिसमें कि हम 6 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे, तो हम 31 इंच की लेंथ लेंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन देंगे। 32 इंच लेकर के हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग, इसके लिए हम सलवार की लेंथ हमने ली है 37 इंच, मोहरी ली है 16 इंच एंड बेल्ट लेंगे हम 40 इंच। सलवार की ड्राफ्टिंग हम आपको बता रहे हैं आज, बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग। इसके लिए हम सलवार की लेंथ लेंगे 37 इंच, मोहरी लेंगे 16 इंच एंड बेल्ट लेंगे 40 इंच की। अब हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है 31 इंच पे प्लस 1 इंच मार्जिन, मतलब 32 इंच पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड पे फोल्ड करा हुआ है इस प्रकार से। अब हमारी मोहरी है 16 इंच जैसे कि हमने आपको बताया है, तो 16 में से हम 2 इंच माइनस कर देते हैं। जब 2 इंच माइनस करेंगे जो कि हमारा कली में इंक्लूडेड होगा, इसलिए 16 में से 2 गया तो आपका बचा 14 इंच का। तो हम ये 14 और प्लस 1/2 इंच मार्जिन लेकर के 14.5 इंच का पैनल लगाते हैं। ये हमारा पैनल का मार्क हो गया है। हमने इसको बीच से ऐसे मोड़ लिया है, ऐसे फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को। देन उसके बाद में मैंने आपको बोला कि 1 इंच कलियों का होगा, तो 1 इंच तो कली हमारी स्टिच होके आनी चाहिए, मतलब 1.5 इंच मैंने कली का इधर से लगाया और 1.5 इंच मैंने कली का इधर से लिया। फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर आसन के लिए हम लेते हैं 1/6 ऑफ राउंड हिप। इस सलवार में हम जिसका बना रहे हैं उनका राउंड हिप है 36 इंच, तो 36 का 1/6 मतलब 6 से भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा, तो ये हमारा 6 जहां पे आ जाएगा वहां पे हम इसको मैच कर लेंगे। ये हमारा आसन का हो गया और बाकी हमारा बेल्ट में आसन इंक्लूडेड रहेगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम पैनल को काट के निकालते हैं। ये जो हमारा फोल्ड था इसको हम अलग कर लेते हैं, यहां से कट करेंगे। ये हमारे 2 पैनल निकल आए हैं दोनों तरफ के पैर के। फिर ये हम कलियां काटेंगे। हमारा जो
ये आसन का हिस्सा था, मैंने इसको कट करके अलग निकाल लिया। ये हमारी रुमाली निकल आई है, इसमें साथ में इंक्लूडेड है। इसको भी हमने यहाँ से कट कर लिया। इसमें हल्का सा हमने साइज कट कर दिया नीचे से। इसी में साथ में ही हमारी रुमाली निकल आती है, हमें अलग से नहीं निकालने की जरूरत पड़ती फोर पार्ट्स में। जैसा कि हमारी कट होने के बाद में अब ये स्टिच कैसे करी जाएगी, वैसे तो स्टिचिंग का अलग से मैं वीडियो सेकेंड पार्ट बनाऊंगी, लेकिन आपका ये पैनल ले लिया, पैनल को ये दो पार्ट है और इसमें ये दो कलियां हैं, एक कली इसमें जुड़ेगी एक कली इसमें जुड़ेगी, देन इसी प्रकार से इसमें जोड़ा जाएगा। और ये जो म्यानी है हमारी निकल के आई है फोर पार्ट्स में, इसको सेंटर से हम ज्वाइन कर लेंगे। इसका एक पार्ट हम इधर स्टिच करेंगे, एक इधर स्टिच करेंगे, ऐसे सेम बैक में हम स्टिच करेंगे और उसके बाद में इस बेल्ट में हम प्लेटों के साथ में पूरा ज्वाइन कर देते हैं।